हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं भेषराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भेज मंचो सूप कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, भेज मंचो सूप बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कटिंग कर रहा हूं। गाजर वगैरह सारी सब्जियां ले रखा है और इनको मैं बिल्कुल बारीक काटने वाला हूं। आप देख सकते हैं बीन्स और ये प्याज। तो जो भी आप सूप के लिए कटिंग करें उसको बिल्कुल बारीक करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चाउमीन की कटिंग है, पत्ता गोभी और गाजर, इसको भी हम बिल्कुल बारीक काट रहे हैं। और साथ में थोड़ा सा हम हरी मिर्च भी इसमें काटने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया हमारे पास ऑलरेडी कटा हुआ है बारीक, और साथ में देख सकते हैं स्प्रिंग ऑनियन भी बिल्कुल रेडी है, यानी कि काट के हमने पहले से रखा हुआ है। फिर हम थोड़ा सा अदरक को भी बारीक काटने वाले हैं, और लहसुन जो हमारे पास ऑलरेडी हमने चॉप करके पहले से रखा हुआ है। सो गाइस, इस तरीके से हमने वेजिटेबल की कटिंग कर ली है और आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचो सूप। इसलिए हमें उसमें मंचो देना जरूरी है, यानी कि चाउमीन, और चाउमीन को हम फ्राई करके देते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अब करने वाला हूँ चाउमीन को फ्राई। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चाउमीन को आपको कैसे फ्राई करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने थोड़ा सा चाउमीन ले लिया है, और ये बॉईल करके जो ठंडा होता है चाउमीन बनाने के लिए, जो रेडी चाउमीन होता है उसको हमने ले लिया है। इसको लेना है आपको, मतलब ये बॉईल चाउमीन है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपने हल्का सा ये कॉर्नफ्लोर है, और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हम कॉर्नफ्लोर इसमें लगाएंगे। इस तरीके से आपको कॉर्नफ्लोर लगाना है। और इसको हम तेल में डाल देंगे, और ये तेल देख सकते हैं बिल्कुल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम टू लो में तेल गर्म हो रखा है। और इसमें हमने चाउमीन को फ्राई करने के लिए रख दिया। और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको मीडियम टू लो में फ्राई करना है। जब तक फ्राई करना है तब तक ये बिल्कुल क्रंची ना हो। इसको एक बार पलट देते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। तो क्या देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और ये करंजी हो गया है, और हल्का सा इसमें गोल्डन टाइप का कलर आ गया है, बहुत ही हल्का सा। इसको आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सो अब हम इसको निकालने वाले हैं। तो चलिए गाइस, फाइनली बनाते हैं फटाफट वेज मंचो सूप। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया हूँ, काफ़ी कम मात्रा में। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, इसको डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे, साथ में हरी मिर्च। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम डालेंगे इसमें पानी। पानी जितना आपको बनाना है उसी हिसाब से डालें। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने जितने भी सब्जियाँ काट के रखे हुए थे वो सारे एक ही बार में हम इसमें रखेंगे। इस तरीके से सब्जी डालने के बाद हम इसको एक बार उबाल आने देंगे। तो क्या देख सकते हैं इस तरीके से इसमें उबाल आ गया है, और इसमें जो झाग दिख रहा है इसको पहले हम हटा देते हैं। और अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। थोड़ा सा एरोमेट पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिंग्स का मसाला, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका, और हल्का सा चिली पेस्ट। ये सब डाल के एक बार इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमने घोल के रखा हुआ है।
कॉर्नफ्लोर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको कम पसंद है तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से इसको गाढ़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने हिसाब से इसको इतना गाढ़ा बनाया है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं धनिया बारीक काटा हुआ और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो गाइस इस तरीके से हमारा सूप बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको गैस को करते थे बंद और एक बाउल में करते जल्दी से सर्व। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से। तो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से हमारा वेज मंचो सूप बनकर तैयार है। और यहाँ पे हमें इसके साथ में मंचो देना है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा करंची, यानी कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा करंची है। इसको हल्का सा तोड़ के आप एक कटोरी में अलग से आपको मंचो सर्व करना है। एक सूप के साथ आप लगभग इतना मंचो दे सकते हैं। और आप चाहे तो थोड़ा सा तोड़ के इसके इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से फाइनली हमारा वेज मंचो सूप बनकर तैयार है। सो गाइज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि वेज मंचो सूप कैसे बनाया जाता है। सो गाइज इसको हम अपने दुकान में 60 रुपये का एक प्लेट बेचते हैं और आप भी अपने मार्केट के हिसाब से अपने दुकान के हिसाब से इसका प्राइस सेट कर सकते हैं। और गाइज जो मैंने आप लोगों को मंचो सूप में जो चाउमीन फ्राई करने के लिए सिखाया था उस तरीके से आपको कॉर्नफ्लोर लगा के ही इसको फ्राई करना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा करंची होता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और जो मंचो सूप जैसे मैंने सिखाया आपको सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। सो मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइस इस वीडियो करता हूँ अभी खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।